नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है परिचय हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी लंबा और काफ़ी समय का वीडियो है। आप सोच रहे होंगे कि इतने लंबे वीडियो क्यों बनाए जाते हैं, कौन उनको देखेगा। दोस्तों, वस्तु स्थिति ये है कि छोटा जो वीडियो होता है 5 या 10 मिनट का, उसमें हम चालू करके मन लगाने का प्रयास करते हैं, इतने में तो वीडियो पूरा हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम पर्याप्त जो जानकारी है वो अर्जित नहीं कर पाते हैं। लंबा वीडियो होगा, जैसे मान लीजिए ये जो वीडियो है वो 350 प्रश्नों का वीडियो है और इसको हम पढ़ेंगे तो हमें कम से कम 350 में से 200 प्रश्न याद रह जाएंगे, तो हमारी जो जानकारी है उसका सदुपयोग होगा। और जब दोबारा इसी वीडियो को देखेंगे तो पूरे 350 के 350 प्रश्न हमें याद हो जाएंगे। तो इस गुणवत्ता के लिहाज से बड़े वीडियो बनाने का प्रयास किया जाता है और कम बनाता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा प्रश्नों को देकर बनाता हूँ, यही मेरी थ्योरी है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यमक अलंकार की परिभाषा बताइए। तो सबसे पहला प्रश्न है अपना, यमक अलंकार की परिभाषा बताइए। दोस्तों, ये शॉर्ट प्रश्न है। परिभाषिक तौर पर शब्दों की आवृत्ति होती है तथा अर्थ भिन्न होता है। तो शब्दों की आवृत्ति होती है और प्रत्येक बार अर्थ उसका क्या होता है, भिन्न होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार की परिभाषा बताइए। तो चलिए श्लेष अलंकार की परिभाषा भी देखते हैं। एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकाले जाते हैं। तो शब्द एक होता है और उसके अर्थ है वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं। अन्योक्ति अलंकार की विशेषताएं बताइए। अन्योक्ति अलंकार की, तो अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन करना, अप्रस्तुत को माध्यम बनाया जाता है और प्रस्तुत वस्तु है उसका चित्रण किया जाता है, तो ये अन्योक्ति अलंकार की विशेषता होती है। विरोधाभास अलंकार की विशेषता बताइए। विरोधाभास अलंकार की विशेषता होती है विरोध न होने पर भी विरोध का आभास होना, कि वास्तव में विरोध होता नहीं है लेकिन विरोध का क्या होता है, आभास होता है। अगला है असंगति अलंकार किसे कहते हैं। असंगति अलंकार, कारण और कार्य में संगति न हो, कारण और कार्य में संगति न हो, अर्थात कारण कहाँ हो कार्य कहाँ हो, या कार्य कहाँ हो और कारण कहाँ हो, तो कारण और कार्य में जहाँ कोई संगति न हो वहां पर असंगति अलंकार होता है। चलिए विभावना अलंकार की विशेषताएं बताइए। बिना कारण के कार्य होना, तो विभावना अलंकार की सबसे बड़ी विशेषता है कि बिना कारण के क्या हो जाता है, कार्य हो जाता है, वहां विभावना अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार की विशेषता बताइए। अतिशयोक्ति अलंकार की, तो अतिशयोक्ति अलंकार की विशेषता यह है कि वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, यानी वस्तु उतनी बड़ी है ही नहीं लेकिन उसका इतना विस्तृत और अलौकिक तरीके से वर्णन किया जाता है, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। व्याज स्तुति अलंकार, व्याज स्तुति अलंकार है प्रशंसा के बहाने दूसरों की निंदा करना। तो जहां पर प्रशंसा के बहाने दूसरों की निंदा की जाती है वहां पर व्याज स्तुति अलंकार होता है। प्रशंसा के बहाने दूसरों की निंदा करना, वहां पर व्याज स्तुति अलंकार होता है। चलिए वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार कह सकते हैं वक्ता के कथन से भिन्न अर्थ ग्रहण किया जाए, यानी वक्ता कहना कुछ चाहता है और सुनने वाला उसका अर्थ है वो दूसरा ग्रहण करे, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी वक्रोक्ति अलंकार के दो होते हैं, एक काकू वक्रोक्ति और एक श्लेष वक्रोक्ति, यानी गले की आवाज के आधार पर अर्थ निकालना और या फिर शब्द का दूसरा अर्थ निकालना। तो वक्रोक्ति वक्ता के कथन से भिन्न अर्थ ग्रहण किया जाए। संदेह अलंकार की विशेषता बताओ, संदेह अलंकार की विशेषता बताइए। तो संदेह अलंकार की विशेषता है उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संदेह बना रहे, कि उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संदेह बना रहे। संदेह अलंकार में किंधो किस्वा कैंधो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। तो उपमेय के लिए जो उपमान दिए होते हैं उनमें क्या बना रहता है, संदेह बना रहता है। तो और वहां पर किंधो किस्वा कैंधो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी बीच में ये शब्द हैं वो काम में लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतीप अलंकार की विशेषताएं बताइए। प्रतीप अलंकार की विशेषता, उपमान का उपमेय के रूप में वर्णन हो, उपमान का उपमेय के रूप में वर्णन हो अथवा प्रसिद्ध
उपमान को उपमेय से तिरस्कृत कर दिया किया जाए तो उपमान का उपमेय के रूप में वर्णन हो, अथवा प्रसिद्ध उपमान को उपमेय से तिरस्कृत किया जाए, वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। तो उपमेय और उपमान तो आपको याद करने पड़ेंगे कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है। चलिए व्यतिरेक अलंकार की विशेषताएं बताइए। व्यतिरेक अलंकार, तो व्यतिरेक अलंकार है जहां कारण बताते हुए उपमान की श्रेष्ठता सिद्ध की जाए, जहां कारण बताते हुए उपमान को क्या माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। चलिए अब देखते हैं अगला, भ्रांतिमान अलंकार की विशेषताएं बताइए। तो भ्रांतिमान अलंकार है उपमेय में उपमान की भ्रांति होना, उपमेय में उपमान की जहां पर भ्रांति होती है वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। दोस्तों ये एक पंक्ति के उत्तर के साथ हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे हर अलंकार में कम से कम 10 मिनट का वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन हम जब रिवीजन मोड पर होते हैं, जल्दी जल्दी हम उसको छोटी डिटेल पढ़ना चाहते हैं, तब ये वीडियो काफी उपयोगी है। अर्थांतर न्यास अलंकार की विशेषता बताइए। अर्थांतर न्यास अलंकार की विशेषता है सामान्य कथन द्वारा विशेष कथन, तो सामान्य कथन द्वारा विशेष कथन द्वारा सामान्य का समर्थन करना। देखिए ये विशेषता देखिए एक बार पुनः देखिए, जैसे सामान्य कथन द्वारा विशेष को बताना और विशेष कथन द्वारा सामान्य कथन का समर्थन करना, यानी अर्थांतर न्यास अलंकार की विशेषता सामान्य कथन के द्वारा विशेष वर्णन किया जाता है और विशेष कथन के द्वारा कभी कभी सामान्य वर्णन किया जाता है, समर्थन किया जाता है, वहां पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। निदर्शन अलंकार की विशेषताएं बताइए। निदर्शन अलंकार जहां दो वाक्यों में अर्थ की भिन्नता होते हुए कि जहां दो वाक्यों में अर्थ की भिन्नता होते हुए भी बलपूर्वक संबंध स्थापित किया जाए वहां निदर्शन अलंकार होता है, कि दो वाक्यों में भिन्नता है लेकिन फिर भी बलपूर्वक क्या किया जाता है, संबंध स्थापित किया जाता है। उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं, उपमा अलंकार के चार भेद होते हैं, उपमा अलंकार के चार भेद होते हैं। उपमा अलंकार के भेदों को बताइए, उपमा अलंकार के भेदों को बताना है। तो उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म, ये चार हैं वो उपमेय। तो उपमा अलंकार के जो चार भेद हैं वो हैं उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। चारों जो होते हैं उन्हें से उपमा अलंकार का निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाराणा प्रताप शेर के समान बहादुर है, वाक्य में उपमा के भेदों को बताइए। महाराणा प्रताप शेर के समान बहादुर हैं, वाक्य में उपमा के भेदों को बताइए। तो उपमा के भेद बताने हैं अपने को, और कमेंट में आप जरूर लिखिएगा कि कौन कौन से भेद होते हैं। तो महाराणा प्रताप शेर के समान बहादुर हैं, वाक्य में उपमा के भेदों को बताइए, और आप कमेंट कीजिएगा, शायद इस वीडियो में भी उत्तर हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये चारों भेदों को बताने का और उपमा अलंकार से संबंधित जो प्रश्न है वो निश्चित तौर पर हर एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अंग नहीं है, उपमा का कौन सा अंग नहीं है। कभी उपमेय को गायब कर दिया जाता है, कभी उपमान को गायब कर दिया जाता है, कभी वाचक को, कभी साधारण धर्म को। विशिष्ट पद रचना रीति ये कथन है, तो विशिष्ट पद रचना रीति ये कथन किसका है, ये कथन चलिए उत्तर है वामन का। तो वामन का है कथन विशिष्ट पद रचना रीति। संगठना रीति है ये कथन है आचार्य विश्वनाथ का, संगठना रीति है ये कथन आचार्य विश्वनाथ का है। भरत मुनि ने काव्य गुण माने हैं, तो भरत मुनि ने काव्य गुण कितने माने हैं, 10 काव्य गुण माने हैं। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितने मानी है, 10 काव्य गुण माने हैं। बाह्मय ने काव्य गुण माने हैं, बाह्मय ने 10 काव्य गुण माने हैं और 10 उनके भेद माने हैं। तो 10 काव्य गुण माने और 10 उनके भेद माने, अर्थात कुल कितने हो गए, 20 हो गए। भोज ने कितने काव्य गुण माने हैं, भोज ने कितने काव्य गुण माने हैं, तो अपना अगला प्रश्न है भोज ने कितने काव्य गुण माने, तो 24 काव्य गुण और 3-3 उसके भेद। तो काफी जो सबसे ज्यादा संख्या काव्य गुणों की मानी है वो भोज ने मानी है कि 24 तो काव्य गुण होते हैं, 24 और 3-3 उनके भेद होते हैं, उपभेद जिनको कह सकते हैं। दंडी ने कितने काव्य गुण माने हैं,
दस काव्य गुण माने हैं। तो दंडी ने काव्य गुणों की संख्या कितने मानी है? दस मानी है। वामन ने काव्य गुण माने हैं, वामन ने काव्य गुण कितने माने हैं? वामन ने 20 काव्य गुण माने हैं। तो वामन ने 20 काव्य गुण माने थे। चलिए आगे, पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। पद्मावत काव्य की भाषा कौन सी है? पद्मावत काव्य की भाषा ठेठ अवधी है, अवधी भाषा है पद्मावत काव्य की। पद्मावत काव्य का रचनाकाल कब का माना जाता है? रचनाकाल कब का माना जाता है? 1540 ईस्वी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पद्मावत की रचना 1540 में हुई थी। पद्मावत काव्य की लिपि कौन सी है? फारसी लिपि है। तो पद्मावत की लिपि है वो कौन सी लिपि है? फारसी लिपि है। पद्मावत काव्य में दोहा चौपाई का क्रम किस प्रकार से है? दोहा चौपाई का क्रम, और ये प्रश्न मोस्ट है, सात चौपाइयों के बाद एक दोहा, यानी सात चौपाइयां रखी गई है और फिर एक दोहा रखा गया है कड़वक। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किसका वर्णन किया है? मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किसका वर्णन किया है? कयामत का वर्णन किया है। कयामत का उन्होंने क्या किया है? वर्णन किया है। अगला है, सूफी सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या जायसी ने किस पुस्तक में की है? अखरावट में की है। सूफी सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या अखरावट में की है। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था? मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम शेख बुरहान या सैयद अशरफ था। शेख बुरहान या सैयद अशरफ था, दोनों नाम देखने को मिलते हैं। अगला है, मलिक मोहम्मद जायसी किसके आश्रित कवि थे? मलिक मोहम्मद जायसी किसके आश्रित कवि थे? तो इसका उत्तर है दोस्तों, शेरशाह सूरी के आश्रित कवि थे। शेरशाह सूरी के आश्रित कवि थे। नागमती वियोग खंड 12 मास में किसके विरह का चित्रण किया गया है, वर्णन किया गया है? नागमती के विरह का वर्णन किया गया है। नागमती वियोग खंड 12 मास में नागमती के विरह का वर्णन किया गया है। भारतीय श्रृंगार रस में किस चीज का वर्णन नहीं होता है? भारतीय श्रृंगार रस में रक्त हाड़ मांस आदि का वर्णन नहीं होता है। तो भारतीय श्रृंगार रस में रक्त मांस हड्डी का वर्णन नहीं होता है। चलिए आगे, इतिहास दिवाकर की उपाधि से सम्मानित कवि और लेखक का नाम बताइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इतिहास दिवाकर की उपाधि से सम्मानित हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किन किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किन किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया? तो देखिए, समालोचक का उन्होंने 1903 से 1906 तक, मर्यादा का 1911 से 12 तक, प्रतिभा का 1918 से 20 तक, और नागरी प्रचारणी का 1920 से 22 तक। तो ये जो है उन्होंने पत्रों का संपादन किया चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, समालोचक का 1903 से 1906 तक, मर्यादा को 1911 से 12 तक, प्रतिभा को 1918 से 20 तक, नागरी प्रचारणी पत्रिका का 1920 से 22 तक। अवधी भाषा का दूसरा नाम क्या है? अवधी भाषा का दूसरा नाम क्या है? तो अवधी भाषा का दूसरा नाम कोसली अथवा बैसवाड़ी है। कोसली अथवा बैसवाड़ी है। किस बोली में अपना विशिष्ट साहित्य नहीं है? किस बोली में अपना विशिष्ट साहित्य नहीं है? तो बघेली बोली में अपना विशिष्ट साहित्य नहीं है। बघेली बोली में अपना विशिष्ट साहित्य नहीं है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी नाम है खड़ी बोली का दूसरा नाम। ब्रजभाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? ब्रजभाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? सौर सैनी अपभ्रंश से हुई। ब्रजभाषा की उत्पत्ति सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? भोजपुरी बोली की, तो मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, मागधी अपभ्रंश से। चलिए, हिंदी साहित्य के प्रथम काल आदिकाल का नाम आदिकाल किसने दिया? हिंदी साहित्य के प्रथम काल आदिकाल का नाम आदिकाल किसने दिया? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल आदिकाल का नाम आदिकाल दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का क्या नाम दिया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का क्या नाम दिया? तो आदिकाल का नाम दिया संधि चारण काल। संधि चारण काल नाम उन्होंने दिया था। राहुल सांकरत्या ने आदिकाल का क्या नाम दिया? तो सिद्ध सामंत युग दिया था। सिद्ध सामंत युग उन्होंने आदिकाल का नाम दिया था।
आदिकाल का वीरकाल नाम किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल का नाम वीरकाल दिया था। राहुल सांकृत्यान ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? सरहपाद को माना है। राहुल सांकृत्यान ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद को माना है। शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? चंद बरदाई को माना है। हिंदी का महाकवि चंद बरदाई को माना है। चलिए आगे, सरहपाद की रचनाओं के नाम बताइए। तो दो रचनाएं प्रसिद्ध हैं, दोहाकोश और चर्यापद। चर्यापद और दोहाकोश जो रचनाएं हैं वो प्रसिद्ध हैं। गुरु नानक की वाणी किसमें संकलित है? गुरु ग्रंथ साहिब में, और महला नामक प्रकरण है उसमें संकलित है। महला नामक प्रकरण में संकलित है गुरु। चलिए, सुमित्रानंदन पंत के उपन्यास का नाम बताइए। तो सुमित्रानंदन पंत का जो उपन्यास है उसका नाम है हार। हार उपन्यास है सुमित्रानंदन पंत का। सच्चिदानंद हीरानंद वाटसन एगे की चुनी हुई कविताओं या रचनाओं के संग्रह का नाम बताइए। तो सच्चिदानंद हीरानंद वाटसन एगे की चुनी हुई रचनाओं के संग्रहों का नाम बताइए। तो ये जो है पूर्वा 1965, सुनहरे सवाल 1965, अगे काव्यस्तबक और सन्नाटे का छंद और मरुथल, ये रचनाएं हैं वो अगे जी की चुनी हुई रचनाओं का संकलन है। पूर्वा 1965, सुनहरे सवाल 1965, अगे काव्यस्तबक और सन्नाटे का छंद और मरुथल, ये रचनाएं चुनी हुई रचनाओं का संकलन है। अगे जी के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? अगे जी के कहानी संग्रह, तो अगे जी के कहानी संग्रहों पर जिक्र करते हैं। जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, परंपरा, विपथगा, कोठरी की बात, शरणार्थी। जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, परंपरा, विपथगा, कोठरी की बात और शरणार्थी अगे जी के कहानी संग्रह है। किस तार सप्तक में अगे की रचनाओं को सम्मिलित किया गया है? किस तार सप्तक में? तो तार सप्तक तो पहले का ही नाम था, तो चलिए प्रथम तार सप्तक में अथवा तार सप्तक पर, प्रथम तार सप्तक। तो पहले का नाम ही तार सप्तक था, तो तार सप्तक अथवा प्रथम तार सप्तक में। अगे जी की काव्य रचनाओं को कालक्रमानुसार बताइए। तो भगनदूत है वो 1935 में पहली रचना है, चिंता 1942 में, इत्यलम 1946 में। भगनदूत 1935, चिंता 1942, इत्यलम 1946। चलिए शरणार्थी 1948, हरी घास पर क्षणभर 1949, बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रोंदे हुए थे 1957, आर्यो करुणा प्रभाव में 1959। तो एक बार इतने तो पुनः देख लेते हैं। भगनदूत 1935, चिंता 1942, इत्यालम 1946, शरणार्थी 1948, हरी घास पर क्षणभर 1949, बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रोंदे हुए थे 1957, आर्यो करुणा प्रभाव में 1959, आंगन के पार द्वार 1961, और कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार जो रचना है 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, सागर मुद्रा 1969, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973। तो चलिए एक बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, सागर मुद्रा 1969, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बांख पर छाया 1981, ऐसा कोई घर आपने देखा 1986। तो ये रचनाएं हैं महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बांख पर छाया 1981, ऐसा कोई घर आपने देखा 1986। ये रचनाएं जो आगे की रचनाएं हैं वो कालक्रमानुसार रचनाएं हैं। चलिए आगे, अगे जी ने किन किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया? तो अगे जी ने सैनिक, प्रतीक, नया प्रतीक, बिजली, विशाल भारत। तो सैनिक, प्रतीक, नया प्रतीक, बिजली, विशाल भारत, दिनमान आदि पत्रों का और पत्रिकाओं का संपादन किया। तो एक बार पुनः देख लीजिएगा, याद रह जाएगा। सैनिक का, प्रतीक का, नया प्रतीक का, बिजली का, विशाल भारत और दिनमान आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। अगे जी की अंग्रेजी त्रैमासिक पत्रिका का नाम बताइए। अगे जी की अंग्रेजी त्रैमासिक पत्रिका है वो वाक थी। वाक पत्रिका का उन्होंने संपादन किया जो अंग्रेजी में थी। पुष्करिणी नामक काव्य का संपादन किसने किया? पुष्करिणी नामक काव्य का संपादन अगे जी ने किया था। ये इनका संपादित काव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भट्ट लोलट ने रस मीमांसा से संबंधित कौन सा सिद्धांत दिया? भट्ट लोलट ने रस मीमांसा से संबंधित कौन सा सिद्धांत दिया? ये उत्पत्तिवाद सिद्धांत उन्होंने दिया और ये मीमांसा दर्शन पर आधारित है। उत्पत्तिवाद सिद्धांत दिया और ये मीमांसा दर्शन पर आधारित है। समकुक ने रस मीमांसा से संबंधित कौन सा सिद्धांत दिया? रस मीमांसा, तो ये अनुमितिवाद सिद्धांत दिया और ये न्याय दर्शन पर आधारित है। तो संकुक ने कौन सा दिया? अनुमितिवाद, और ये न्याय दर्शन पर आधारित है। चलिए, भट्ट नायक ने रस मीमांसा से संबंधित कौन सा सिद्धांत दिया? इन्होंने भुक्तिवाद सिद्धांत दिया और ये सांख्य दर्शन पर आधारित है। सांख्य दर्शन पर ये सिद्धांत है वो आधारित है, और दिया है किसने? भट्ट नायक ने। भट्ट नायक ने भुक्तिवाद सिद्धांत दिया और ये सांख्य दर्शन पर आधारित है। अभिनव, ये अभिनव गुप्त है, अभिनव नहीं, अभिनय नहीं, अभिनव गुप्त ने रस मीमांसा संबंधी कौन सा सिद्धांत दिया? तो अभिव्यक्तिवाद दिया। अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत दिया और ये सिद्धांत सेवाद्वैतवाद दर्शन पर आधारित है। सेवाद्वैतवाद दर्शन पर आधारित है अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत, सेवाद्वैतवाद दर्शन पर आधारित है। नकेनवाद का प्रवर्तन करने वाले कवियों के नाम बताइए। तो तीन कवि हैं, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, और इन्होंने नकेनवाद का प्रवर्तन किया था। रीतिवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? रीतिवाद का प्रवर्तक केशवदास को माना जाता है, और केशवदास से कुछ विद्वान केशवदास को नहीं भी मानते हैं, लेकिन केशवदास को रीतिकाल और भक्तिकाल के बीच की कड़ी के रूप में भी जाना जाता है, और रामचंद्रिका इनकी जो रचना है वो भक्तिकाल की श्रेणी में गिनी जाती है। निराला के मरणोपरांत प्रकाशित काव्य रचना कौन सी थी निराला की? तो सांदे काकली रचना है वो, उनकी रचना मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी, सांदे काकली। प्रसाद के स्मृति काव्य का नाम बताइए। तो प्रसाद का स्मृति काव्य कौन सा है? स्मृति के आधार पर लिखा गया काव्य, तो यह है आंसू। आंसू है वो प्रसाद का स्मृति काव्य है। संत शिरोमणि रैदास के पद किस ग्रंथ में संकलित है? संत शिरोमणि रैदास के पद किस ग्रंथ में संकलित है? गुरु ग्रंथ साहिब में और सतवाणी में भी। तो सतवाणी और गुरु ग्रंथ साहिब दोनों में संत रैदास के पद हैं संकलित हैं। चलिए, दादू दयाल की रचनाओं का संकलन माने जाने वाली हृदयवाणी का संकलन किसने किया? तो हृदयवाणी का संकलन किसने किया? हृदयवाणी दादू दयाल की रचनाओं का संकलन है, और इसका संकलन किसने किया? संतदास और जगन्दास ने किया था। संतदास और जगन्दास ने दादू दयाल की रचनाओं का संकलन माने जाने वाली हृदयवाणी का संकलन किया था, संतदास और जगन्दास ने। दादू दयाल की रचनाओं का संकलन अंगवधु के नाम से किसने किया? दादू दयाल की रचनाएं थी और जिसका नाम था अंगवधु, उसका संकलन किसने किया? तो रज्जब जी ने किया, और ये रज्जब जी जो थे वो आजीवन दूल्हे के रूप में भी रहने वाले संत माने जाते हैं। आलम केली किसकी रचना है? आलम केली आलम की रचना है, आलम की रचना का नाम है आलम केली। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? नाट्य शास्त्र की रचना भरतमुनि ने की थी, भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। चलिए, केशव की किस रचना को छंदों का अजायब्य कहा जाता है? केशवदास की किस रचना को छंदों का अजायब्य कहा जाता है? तो ये रामचंद्रिका रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। रामचंद्रिका वो छंदों का अजायब घर कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना केशवदास ने एक ही रात में की थी। केशवदास जी ने कवि प्रिया की रचना क्यों की? कवि प्रिया की रचना, राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए उन्होंने कवि प्रिया की रचना की थी। काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? तो काव्य कल्पद्रुम सेनापति की रचना है, सेनापति की रचना का नाम है काव्य कल्पद्रुम। 84 सिद्धों में सर्वोच्च सिद्ध कौन से माने जाते हैं? लुईपा हैं वो सर्वोच्च सिद्ध माने जाते हैं। 84 सिद्धों में सर्वोच्च सिद्ध हैं वो लुईपा हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, और 1938 में ये प्रकाशित हुआ। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा और 1938 में ये प्रकाशित हुआ। मेवाती और मालवी का जन्म कौन से अपभ्रंश से हुआ? मेवाती और मालवी का जन्म कौन से अपभ्रंश से हुआ? तो ये सौर सैन्य अपभ्रंश से हुआ था। सौर सैन्य अपभ्रंश से मेवाती और मालवी का जन्म हुआ था। एक मिनट, चलिए, पूर्वी हिंदी की बोलियों के नाम बताइए। तो पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी।
पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, उनका नाम है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियों के नाम हैं। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियों का जन्म कौन से अपभ्रंश से हुआ? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियों का जन्म कौन से अपभ्रंश से हुआ? तो इसका उत्तर है दोस्तों अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियों का जन्म हुआ अर्धमागधी अपभ्रंश से। भामे ने कितने काव्य गुण माने हैं? तो तीन काव्य गुण माने हैं। मैंने काव्य गुण कितने माने हैं? तीन काव्य गुण माने हैं। जयदेव ने किसकी रचना की? जयदेव ने किसकी रचना की? तो जयदेव ने चंद्रालोक की रचना की थी। जयदेव ने चंद्रालोक की रचना की। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे की प्रथम काव्य कृति का नाम बताइए। तो प्रथम काव्य कृति का नाम जैसा हम जिक्र कर चुके हैं भगनदूत है, सन 1933। ऊपर एक जगह साइड 35 था तो वो मिस्टेक है, भगनदूत है वो सन 1933 है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, तो प्रथम मौलिक कहानी है इंदुमती। इंदुमती कहानी है वो प्रथम मौलिक कहानी है। प्रसाद की प्रथम कहानी का नाम बताइए। तो ग्राम कहानी है और सन 1911 में ये प्रकाशित हुई थी, प्रसाद की ग्राम कहानी। परिंदे कहानी कब प्रकाशित हुई? 1960 में प्रकाशित हुई थी परिंदे कहानी है 1960 में। चलिए एकलव्य किसके द्वारा रचित महाकाव्य है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य जिसका नाम है एकलव्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसको माना? मुकुटधर पांडे को उन्होंने छायावाद का प्रवर्तक माना है। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत माना है। पंचवटी काव्य किसके लिए प्रसिद्ध है? पंचवटी काव्य है वो प्रकृति सौंदर्य चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। पंचवटी काव्य है वो प्रकृति सौंदर्य चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। काव्य निर्णय किसकी रचना है? काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। तो काव्य निर्णय वो भिखारी दास की रचना है। भरत मुनि ने किस अलंकार को स्वीकार नहीं किया? भरत मुनि ने श्लेष अलंकार को स्वीकार नहीं किया। भरत मुनि ने श्लेष अलंकार को स्वीकार नहीं किया था। सरस्वती कंठाभरण के रचयिता कौन है? आचार्य भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण की रचना की थी। सरस्वती कंठाभरण की रचना भोजराज ने की थी। वक्रोक्ति जीवितम काव्य के रचयिता का नाम बताइए, यानी वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ के रचनाकार का नाम आचार्य कुंतक है। कुंतक की रचना है वक्रोक्ति जीवितम। चलिए अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भामे को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। भामे को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं? तो मुल्ला दाऊद माने जाते हैं सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि। हिंदी सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी को श्रेष्ठ कवि माना जाता है सूफी काव्य परंपरा में। सूफी संतों में महिला साधिका का नाम बताइए, महिला साधिका का नाम तो ये है राबिया, राबिया था। पद्मावत में कितने सर्ग हैं? 57 सर्ग हैं। पद्मावत में कितने सर्ग हैं? 57 सर्ग हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंतिम सूफी ग्रंथ माना है? अंतिम सूफी ग्रंथ कौन सा माना है? तो अंतिम सूफी ग्रंथ माना है नूर मोहम्मद की कृति इंद्रावती को। इंद्रावती को उन्होंने अंतिम सूफी ग्रंथ माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार प्रथम सूफी कवि कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पहला सूफी कवि किसको माना है? तो पहला सूफी कवि उन्होंने माना है ईश्वरदास और उनकी रचना है सत्यवती कथा। ईश्वरदास और उनकी रचना सत्यवती कथा को उन्होंने माना है। तो ईश्वरदास और उनकी रचना का नाम है सत्यवती कथा। चलिए आगे, प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सन 1942 में मुक्तिबोध ने किया था प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने जो प्रयोगवाद है उस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। चलिए छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने किया था। मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था।
अस्वीकृत कविता के जनक कौन माने जाते हैं? श्री राम शुक्ल हैं, वो अस्वीकृत कविता के जनक माने जाते हैं, श्री राम शुक्ल। बीट कविता के जनक कौन माने जाते हैं? बीट कविता के, तो बीट कविता के जनक प्रभाकर माचवे माने जाते हैं। बीट कविता के जनक प्रभाकर माचवे जी को माना जाता है। रीति संप्रदाय का परिवर्तन किसने किया? तो रीति संप्रदाय का परिवर्तन आचार्य वामन ने किया था। आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय का परिवर्तन किया था। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम पूछा जाए तो आचार्य वामन है। चलिए, ध्वनि संप्रदाय का परिवर्तन किसने किया? आनंदवर्धन ने किया था। ध्वनि संप्रदाय का परिवर्तन आनंदवर्धन ने किया था। वक्रोक्ति संप्रदाय के जनक कौन माने जाते हैं? आचार्य कुंतक माने जाते हैं। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के जनक हैं वो आचार्य कुंतक को माना जाता है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आचार्य क्षेमेंद्र हैं, वो औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, श्रीधर पाठक को माना जाता है स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक। चलिए, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं, छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं। रसवादी आलोचक माने जाते हैं, तो रसवादी आलोचक डॉक्टर नगेंद्र को माना जाता है, डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आलोचक माना जाता है। चलिए, फैटेंसी के कवि माने जाते हैं, मुक्तिबोध को फैटेंसी का कवि माना जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 में हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, आचार्य भरत मुनि हैं, वो रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। सचेतन कहानी के जनक माने जाते हैं, महीप सिंह माने जाते हैं, तो महीप सिंह है वो सचेतन कहानी के जनक माने जाते हैं। सहज कहानी का प्रवर्तन किसने किया? सहज कहानी का प्रवर्तन अमृत राय ने किया था। सहज कहानी का प्रवर्तन अमृत राय ने किया था। समांतर कहानी के जनक कौन है? तो समांतर कहानी के जनक कमलेश्वर हैं, कमलेश्वर हैं, उनको समांतर कहानी का जनक माना जाता है। नई कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं, नामवर सिंह को माना जाता है नई कहानी के प्रवर्तन करने वाला। मम्मट की काव्य रचना का नाम बताइए, तो मम्मट की काव्य रचना का नाम काव्य प्रकाश है। मम्मट की काव्य रचना का नाम या ग्रंथ का नाम काव्य प्रकाश है। चलिए आगे हैं, रीति ग्रंथों की परंपरा के प्रवर्तक हैं, रीति ग्रंथों की परंपरा के प्रवर्तक आचार्य केशव हैं। विश्वनाथ की काव्य रचना का नाम बताइए, साहित्य दर्पण, तो विश्वनाथ की काव्य रचना का नाम है साहित्य दर्पण है। चलिए आगे, अष्ट छाप के कवि वल्लभाचार्य के शिष्यों का नाम बताना है अपने को, तो अष्ट छाप के कवि में वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का नाम बताइए, तो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्ण दास। तो ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्ण दास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। चलिए नेक्स्ट, अष्ट छाप के कवियों में विठल दास के शिष्यों के नाम बताइए, तो विठल दास जी के शिष्य कौन कौन से थे, तो चलिए उनका भी देखते हैं, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुजदास। गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुजदास हैं, वो किसके शिष्य थे? गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। चलिए, दुर्गादास नामक जीवनी साहित्य की रचना किसने की? प्रेमचंद ने की थी। दुर्गादास नामक जीवनी साहित्य की रचना। अकाल पुरुष गांधी जीवनी साहित्य के रचनाकार का नाम बताइए, तो अकाल पुरुष गांधी जीवनी साहित्य के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार। कैप्सुलवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कैप्सुलवाद के प्रवर्तक ओंकारनाथ त्रिपाठी माने जाते हैं, ओंकारनाथ त्रिपाठी हैं वो कैप्सुलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मिश्र बंधुओं की वृहत्ति त्रयी, मिश्र बंधुओं की वृहत्ति त्रयी में कौन कौन शामिल हैं? तो कौन कौन शामिल हैं, देखिए, सूरदास, तुलसीदास और देव शामिल हैं, यानी सूरदास, तुलसीदास और देव शामिल हैं। मिश्र बंधुओं की मध्य त्रयी में कौन कौन शामिल हैं? केशव भूषण और केशव शामिल हैं, केशव भूषण और केशव शामिल हैं। मिश्र बंधुओं की लघु त्रयी में कौन कौन शामिल हैं? तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज है, केशव और भूषण और एक नाम और है। मिश्र बंधुओं की लघु त्रयी में कौन कौन शामिल हैं? तो मतिराम, चंद्रवरदाई और हरिश्चंद्र शामिल हैं। चलिए, हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों का सूत्रपात किसने किया? जयशंकर प्रसाद ने किया था। हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों का सूत्रपात किसने किया? तो जयशंकर प्रसाद ने किया था। हिंदी का प्रथम नाटककार माना जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है, लेकिन नहुष नाटक की रचना भारतेंदु जी के पिताजी ने की थी और वो मौलिक नाटक था, लेकिन हिंदी का प्रथम नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है।
हिंदी रंगमंच के जन्मदाता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं हिंदी रंगमंच के जन्मदाता। बियारी सतसई में कितने दोहे हैं? बियारी सतसई में 713 दोहे हैं। और अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो उत्तर है इसका 1955 में बाल गंगाधर खेर आयोग के तहत इसका गठन हुआ था। तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन उत्तर 1955 में बाल गंगाधर खेर आयोग के तहत हुआ था। चलिए, संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? संसदीय राजभाषा समिति का गठन अगला अपना प्रश्न है। तो संसदीय राजभाषा समिति का गठन नवंबर 1957 को किया गया और ये गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में हुआ था। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में हुआ था संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1957 में गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? प्रताप नारायण मिशन ने दिया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहां पर उदय हुआ? बंगाल में उदय हुआ था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में उदय हुआ था। अगला, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये रखा था गोपाल स्वामी आयंगर ने। गोपाल स्वामी आयंगर ने संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार रखा था, यानी प्रस्ताव रखा था। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893 में मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी, नागरी प्रचारिणी सभा की काशी की, और 1893 में मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी। चलिए, देवनागरी लिपि में सुधार के लिए अ बारकड़ी का सुझाव किसने दिया? अ की बारकड़ी का सुझाव, तो अ की बारकड़ी का सुझाव, बारह खड़ी का सुझाव सावरकर बंधु ने दिया था, सावरकर बंधु ने। तिलक फॉन्ट किसकी देन है? तिलक फॉन्ट, तो तिलक फॉन्ट बाल गंगाधर की देन है, बाल गंगाधर तिलक की देन है, तिलक फॉन्ट। चलिए, श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के बदले किसके प्रयोग का सुझाव दिया? पंचमाक्षर के बदले किसके प्रयोग का सुझाव दिया? तो अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया, जैसा कि अब चल रहा है आप वर्तमान में, जैसे श्याम सुंदर के ऊपर सह पर लगा हुआ है, तो इस प्रकार से पांचवें अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग है उसको करने का सुझाव दिया, जैसे पेपर अनुस्वार लगा हुआ वैसे। नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किसके संयोजक में किया गया था? तो उनके संयोजक कौन थे मुख्य रूप से? उनके संयोजक थे काका कालेलकर, और 1935 में काका कालेलकर के नेतृत्व में ये नागरी जो प्रचारिणी नागरी लिपि सुधार समिति है उसका गठन किया गया था। नागरी लिपि सुधार समिति का गठन और काका कालेलकर इसके संयोजक थे। आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन कब किया गया? आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन तो ये 1947 में किया गया था, आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन। जयमंग जस चंद्रिका की रचना किसने की? जयमंग जस चंद्रिका की रचना मधुकर कवि ने की थी, मधुकर कवि ने जयमंग जस चंद्रिका की रचना की। ज्ञानदीप, दीपक नहीं है ज्ञानदीप ही है सिर्फ, ज्ञानदीप की रचना किसने की? तो ज्ञानदीप की रचना शेख नबी ने की थी, ज्ञानदीप की रचना शेख नबी ने की थी, ज्ञानदीप की रचना। रीतिबद्ध कवियों के नाम बताइए, तो रीतिबद्ध कवियों के नाम बताने हैं अपने को, तो केशव दास, चिंतामणि, देव और मतीराम, चार मुख्य रूप से हैं, केशव दास, चिंतामणि, देव और मतीराम। रीतिसिद्ध कवियों के नाम बताइए, तो रीतिसिद्ध कवियों में बिहारी और रसनिधि का नाम प्रमुख रूप से है, हालांकि कवि तो और भी हैं, तो रीतिसिद्ध में बिहारी प्रमुख रूप से माने जाते हैं और रसनिधि माने जाते हैं। रीतिमुक्त कवियों के नाम बताइए, रीतिमुक्त कवियों में गणानंद, आलम, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव आदि, तो गणानंद, आलम, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव आदि हैं वो रीतिमुक्त कवि माने जाते हैं। भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकारों के नाम बताइए, भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकारों के नाम देखने अपने को, तो भारतेंदु मंडल के सबसे प्रमुख रचनाकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं, प्रताप नारायण मिश्र, और उसके बाद बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी और राधा कृष्ण दास।
तो देखिए काफी लंबा है यह प्रश्न। भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, श्री निवास दास, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण दास इत्यादि थे। भारतेंदु युग कब से कब तक माना जाता है? तो 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है भारतेंदु युग। 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग में पद्य के लिए तथा गद्य के लिए कौन कौन सी भाषाएं प्रयोग में लगी? पद्य के लिए ब्रज भाषा और गद्य के लिए खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया था। थोड़ा सा तो पद्य के लिए ब्रज भाषा और गद्य के लिए खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया था। चलिए आगे। कविता वर्धिनी सभा की स्थापना किसने की? कविता वर्धिनी सभा की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। कविता वर्धिनी सभा की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। भारतेंदु युगीन किन कवियों ने रीतिकालीन पद्धति को अपनाया? तो भारतेंदु युगीन किन कवियों ने रीतिकालीन पद्धति को अपनाया? तो इसका उत्तर है सेवक, सरदार और लच्छीराम आदि ने। सेवक ने, सरदार ने, लच्छीराम ने रीतिकालीन पद्धति को अपनाया। द्विवेदी युग का दूसरा नाम क्या है? द्विवेदी युग का दूसरा नाम जागरण सुधार काल है। द्विवेदी युग का दूसरा नाम जागरण सुधार काल है। द्विवेदी मंडल के कवियों के नाम बताइए। तो द्विवेदी मंडल के कवियों के नाम देख लेते हैं। तो चलिए मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, नाथुराम शर्मा शंकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, नाथुराम शर्मा शंकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे। और द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के आधार पर ही किया गया है। चलिए आगे। राम नरेश त्रिपाठी की काव्यत्री की रचनाओं का नाम बताइए। काव्यत्री, काव्यत्री तो काव्यत्री की रचनाएं हैं मिलन, पथिक, सौपन और मानस। इनके फुटकर कविताओं का संकलन है। और कविता कौमुदी है वो लोकगीतों का और लोक कविताओं का संकलन है, जिसको हम हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके रूप में भी जान सकते हैं कविता कौमुदी को। चलिए मैथिली शरणगुप्त के दो नारी प्रधान काव्यों के नाम बताइए। दो नारी प्रधान काव्यों के नाम बताने हैं तो साकेत और यशोधरा। साकेत महाकाव्य है और यशोधरा खंडकाव्य है। चलिए सुमित्रा नंदन पंत को किस काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो चिदंबरा काव्य रचना के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया गया सुमित्रा नंदन पंत को। रामधारी सिंह दिनकर को किस काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? उर्वशी रचना के लिए सन 1972 में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। महादेवी वर्मा को किस काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो यामा रचना के लिए। और 1982 में यामा रचना है वो उनकी चुनी हुई कविताओं का संकलन है। सच्चिदानंद हीरानंद आज्ञे को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन आज्ञे को उनकी जो रचना है आंगन के पार द्वार रचना के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, सॉरी, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1964 में। 1964 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कलम का सिपाही किसकी रचना तथा उनको कौन सा पुरस्कार मिला? कलम का सिपाही तो ये अमृत राय की रचना है और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1963 में। अमृत राय की रचना तथा उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1963 में मिला था। चलिए वैदिक संस्कृत में मूलतः कितनी ध्वनियाँ हैं? वैदिक संस्कृत में मूलतः 52 ध्वनियाँ हैं। वैदिक संस्कृत में मूलतः 52 ध्वनियाँ हैं। लौकिक संस्कृत में कितनी ध्वनियाँ प्राप्त होती हैं? लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ प्राप्त होती हैं। तो लौकिक संस्कृत में 48 और वैदिक संस्कृत में 52 ध्वनियाँ प्राप्त होती हैं। प्राकृत भाषा का समय कब से कब तक था? तो प्राकृत भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक था। तो प्राकृत भाषा का समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक था माना जाता है। प्राकृत भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? प्राकृत भाषा की उत्पत्ति लौकिक संस्कृत से हुई थी। लौकिक संस्कृत से प्राकृत भाषा की उत्पत्ति हुई थी। पाली भाषा का दूसरा नाम क्या है? पाली भाषा को प्रथम प्राकृत अथवा देश भाषा भी कहा जाता है। पाली भाषा को प्रथम प्राकृत अथवा देश भाषा भी कहा जाता है। चलिए पाली भाषा का, पाली नाम का प्रयोग सबसे पहले किस ग्रंथ में किया गया? पाली नाम का प्रयोग सबसे पहले दीपवंश में किया गया था। दीपवंश में सबसे पहले पाली नाम का प्रयोग किया गया था। पाली शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया?
पाली शब्द का प्रयोग तो किसके लिए किया गया? पाली शब्द का प्रयोग गौतम बुद्ध के वचनों के लिए किया गया था। पाली शब्द का प्रयोग महात्मा गौतम बुद्ध के वचनों के लिए किया गया था। पाली का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पंक्ति के लिए होता है। पंक्ति कहते हैं पाली का शाब्दिक अर्थ। चलिए, भाषा के रूप में पाली शब्द का प्रयोग आधुनिक काल में किन विद्वानों ने किया? तो भाषा के अर्थ में पाली का प्रयोग पाश्चात्य विद्वानों ने किया था। पाश्चात्य विद्वानों ने किया था पाली का अर्थ, पाली का प्रयोग। पाली भाषा का संबंध किस प्रकार के साहित्य से है? पाली भाषा का संबंध किस प्रकार के साहित्य से है? पाली भाषा का संबंध बौद्ध साहित्य से है। बौद्ध साहित्य से है पाली भाषा का संबंध। पाली भाषा में किस संधि का लोप हो गया? तो पाली भाषा में कौन सी संधि है जिसका लोप हो गया था? तो ऐसी कौन सी संधि है जिसका लोप हो गया? तो विसर्ग संधि का लोप हो गया था। विसर्ग संधि नहीं है पाली भाषा में। पाली भाषा में किस वचन का प्रयोग नहीं होता? द्विवचन का प्रयोग नहीं होता। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन जो होते हैं ना, उसमें द्विवचन का प्रयोग नहीं होता है। किस भाषा में हलंत का प्रयोग नहीं होता है? पाली भाषा में हलंत का प्रयोग नहीं होता है। पाली में हलंत जैसे दिखने वाले शब्द किस प्रकार के हैं? केवल अजंत प्रकार के हैं। केवल अजंत प्रकार के शब्द हैं हलंत दिखने जैसे दिखने वाले शब्द हैं। पाली में किसका नितांत अभाव है? विसर्ग का नितांत अभाव है। पाली में विसर्ग का क्या है? नितांत अभाव है। चलिए, प्राकृत व पाली भाषा का विकास किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है। तो प्राकृत और पाली भाषा का विकास किससे हुआ? संस्कृत से हुआ है। प्राकृत भाषा में किस प्रकार के शब्दों की भरमार है? प्राकृत भाषा में तद्भव शब्दों और देश शब्दों की भरमार है। तद्भव शब्दों और देश शब्दों की भरमार है। अपभ्रंश भाषा को अन्य किन नामों से पुकारा गया है? अपभ्रंश भाषा को अन्य किन नामों से पुकारा गया है? तो इसका उत्तर है देश भाषा, ग्रामीण भाषा, अवहट, अवट, अवंश आदि के नामों से पुकारा गया है। देश भाषा, ग्रामीण भाषा, अवहट, अवट, अवंश आदि नामों से पुकारा गया है। स्वयंभू की प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। पौम चर्यु स्वयंभू की प्रसिद्ध रचना का नाम है पौम चर्यु। चलिए, पाउर दोआ किसकी रचना है? पाउर दोआ राम सिंह की रचना है। पाउर दोआ राम सिंह की रचना है। जस हर चर्यु की किसकी रचना मानी जाती है? पुषप दंत की रचना मानी जाती है। जस हर चर्यु पुषप दंत की रचना है। धनपाल की रचना का नाम बताइए। धनपाल की रचना का नाम भविष्यत कहा है। भविष्यत कहा है रचना है वो धनपाल की रचना है। अपभ्रंश का व्याकरण किसने लिखा? हेमचंद्र ने लिखा और उसका नाम शब्दानुशासन है। तो अपभ्रंश का व्याकरण हेमचंद्र ने लिखा और उसका नाम है वो शब्दानुशासन है। नेमी साधु ने अपभ्रंश के कितने वेद बताए हैं? तीन वेद बताए हैं नेमी साधु ने। उपनागर, ग्राम्य और आभीर। उपनागर, ग्राम्य और आभीर अपभ्रंश के तीन भेद बताए हैं। मार्कंडे के अनुसार अपभ्रंश के भेद कौन कौन से हैं? मार्कंडे के अनुसार अपभ्रंश के भेद हैं वो देखिए, नागर, ब्राचड और उपनागर। तो मार्कंडे के अनुसार नागर, उपनागर और ब्राचड ये अपभ्रंश के भेद हैं। ब्राचड अपभ्रंश कहाँ की बोली का नाम है? सिंध की बोली का नाम है। चलिए आगे, सौर सैन्य अपभ्रंश का दूसरा नाम क्या है? नागरिक या नागरिका नाम है। सौर सैन्य अपभ्रंश का दूसरा नाम नागरिक या नागरिका है। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? पश्चिमी हिंदी का विकास सौर सैन्य अपभ्रंश से हुआ था। सौर सैन्य अपभ्रंश से हुआ था पश्चिमी हिंदी का विकास। नागर अपभ्रंश कहाँ कहाँ बोली जाती है? राजस्थान व गुजरात में बोली जाती है नागर अपभ्रंश। चलिए, हिंदी का विकास क्रम बताइए। तो हिंदी का विकास क्रम है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, यानी सर्वप्रथम लेते हैं संस्कृत, और संस्कृत में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट, हिंदी। तो लौकिक और वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट और हिंदी, ये हिंदी का विकास क्रम है। मिठाई वाला कहानी के लेखक कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। मिठाई वाला कहानी के लेखक कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी की पहली कहानी कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो यमुना है। भगवती प्रसाद वाजपेयी की पहली कहानी यमुना कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई? 1923 में श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी यमुना जो कहानी है वो। चलिए आगे, भगवती प्रसाद वाजपेयी का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ? मंगलपुर गांव कानपुर में हुआ था। भगवती प्रसाद वाजपेयी का जन्म मंगलपुर गांव कानपुर में 1899 में हुआ था। भगवती प्रसाद के प्रमुख उपन्यासों का नाम बताइए। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी के प्रमुख उपन्यासों का नाम, तो देखिए, त्यागमयी, पतवार, भूदान, प्रेमपथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी,
दो बहनें, मनुष्य और देवता। तो भगत प्रसाद वाजपेयी जी के उपन्यास हैं त्यागमयी, पतवार, भूदान, प्रेमपथ, मीठी चुटकी, अनाथ, पत्नी, दो बहनें, मनुष्य और देवता, ये इनके उपन्यासों के नाम हैं। छलना नाटक के नाटककार का नाम बताइए। तो भगवती प्रसाद वाजपेयी का ये नाटक है छलना। छलना प्रसिद्ध नाटक है। चलिए ओस की बूंदे कविता संग्रह के रचयिता का नाम बताइए। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का ये काव्य संग्रह जिसका नाम है ओस की बूंदे। राय पिथौरा किस शैली का रचना है? नाटक शैली की रचना है। राय पिथौरा है वो नाटक शैली की रचना है। चलिए राय पिथौरा नाटक के नाटककार कौन है? तो राय पिथौरा नाटक के नाटककार भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का नाटक है। मिठाई वाला किस प्रकार की कहानी है? बाल मनोविज्ञान को दर्शाने वाली कहानी है। तो मिठाई वाला है वो बाल मनोविज्ञान को दर्शाने वाली कहानी है। रानी केतकी की कहानी कब लिखा गया? तो रानी केतकी की कहानी कब लिखी गई? तो सन 1803 में मुंशी इंसार अल्लाह खां के द्वारा रानी केतकी की कहानी लिखी गई। रानी केतकी की कहानी है वो सन 1803 में मुंशी इंसार अल्लाह खां द्वारा लिखी गई। आधुनिक हिंदी के मौलिक मौलिक नाम हो गए। कहानी लेखन का श्रीगणेश किस पत्रिका से माना जाता है? तो सरस्वती पत्रिका से माना जाता है। तो मौलिक कहानी लेखन का श्रीगणेश किस पत्रिका से माना जाता है? तो ये सरस्वती पत्रिका से माना जाता है। इंदुमती कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? इंदुमती कहानी, तो इंदुमती कहानी है वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी है, वो इंदुमती कहानी के लेखक हैं। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी का श्रेय दिया जाता है, तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है वो किसको माना जाता है? तो इंदुमती को माना जाता है। प्रथम मौलिक कहानी है वो इंदुमती को माना जाता है। कुछ विद्वान किस कहानी को भी हिंदी के प्रथम मौलिक कहानी स्वीकारते हैं? तो बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष की कहानी दुलाई वाली को, जो 1907 में प्रकाशित हुई थी। तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि दुलाई वाली है वो पहली कहानी है जो कि राजेंद्र बाला घोष अथवा बंग महिला की लिखी हुई है। इंदु मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ और कहाँ से हुआ? 1909 में काशी से हुआ था। तो इंदु मासिक पत्रिका का जो प्रकाशन है 1909 में काशी से प्रारंभ हुआ था। चलिए जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम 1911 में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। ग्राम कहानी वो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। परदेश 1912 किसकी कहानी है? विश्वम्भरनाथ की शर्मा कोशी की कहानी है। विश्वम्भरनाथ शर्मा कोशी की कहानी है जिसका नाम है परदेश। चलिए राजा राधिका रमन सिंह की प्रसिद्ध कहानी है और इसका नाम है कानों में कंगना। कानों में कंगना कहानी है। कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष 1913 मासिक पत्रिका ये इंदु में प्रकाशित हुई थी। कानों में कंगना कहानी इंदु में प्रकाशित हुई, कानों में कंगना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर कहानी उसने काता कब प्रकाशित हुई? अमर कहानी उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई, उसने कहा था। चलिए ग्रह लक्ष्मी किसकी कहानी है? ग्रह लक्ष्मी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की कहानी है। ग्रह लक्ष्मी है वो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की कहानी है। पंच परमेश्वर कहानी कब प्रकाशित हुई? 1915 में प्रकाशित हुई थी पंच परमेश्वर कहानी भी है वो भी कब प्रकाशित हुई थी? 1915 के अंदर प्रकाशित हुई थी। चलिए थोड़ा सा विराम है। बीच में थोड़ा सा कंप्यूटर में अवरोध आ गया। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करें। दोस्तों स्थिति आपके सामने है, छोटा सा चैनल है, आपको सब्सक्राइब तो कर ही लेना चाहिए, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखें ताकि अपना वीडियो है वो आगे बढ़े। तो दोस्तों थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, इसलिए हम चले आगे बढ़ते हैं, दूर हुई। वृंदावन लाल वर्मा ने किस प्रकार की कहानी लिखी? तो ऐतिहासिक, सामाजिक और शिकार संबंधी कहानियां उन्होंने लिखी थी। ऐतिहासिक, सामाजिक और शिकार संबंधी कहानियां वृंदावन लाल वर्मा ने लिखी थी। आकाशदीप और पुरस्कार दोनों कहानी संकलन भी है और कहानियां भी हैं। किसकी कहानियां हैं?
तो जयशंकर प्रसाद की कहानियां भी और कहानी संकलन भी है। शत्रु कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। तो याद आ गया होगा, शत्रु कहानी के कहानीकार हैं सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। आगे की कहानी है जिसका नाम है शत्रु। बड़े घर की बेटी कहानी के कहानीकार का नाम बताना आपने को। तो बड़े घर की बेटी किसकी कहानी है? तो ये प्रेमचंद की कहानी है और प्रसिद्ध कहानी है। चलिए, समर यात्रा किसका कहानी संग्रह है? समर यात्रा, तो समर यात्रा है वो अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था समर यात्रा को, और ये प्रेमचंद का कहानी संग्रह है। प्रेमचंद का कहानी संग्रह है जिसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था समर यात्रा को। प्रेमचंद ने किन किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया? प्रेमचंद ने, तो उत्तर देते हैं, मर्यादा का, माधुरी का और हंस और जागरण का। चार पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया, मर्यादा, माधुरी, हंस और जागरण का इन्होंने संपादन किया। प्रेमचंद को हंस पत्रिका को क्यों बंद करना पड़ा? अंग्रेजों के दबाव के कारण से हंस पत्रिका को उन्हें बंद करना पड़ा था। अंग्रेजों के दबाव के कारण से हंस पत्रिका को बंद करना पड़ा। चलिए, राहुल वेल चंपू काव्य की रचना किसने की थी? राहुल वेल चंपू काव्य की रचना रोड़ा नामक कवि ने की थी। रोड़ा नामक कवि ने राहुल वेल नामक चंपू काव्य की रचना की थी। एक दिन हजार दास्तां किस रचनाकार की रचना है? एक दिन हजार दास्तां, तो ये अमृतलाल नागर की रचना है। एक दिन हजार दास्तां, पीपल की परी, वाटिका, अवशेष, नवाबी मसनद, तुलाराम शास्त्री, किस कहानीकार के कहानी संग्रह है? तो पीपल की परी एक, वाटिका दो, अवशेष तीन, नवाबी मसनद चार और तुलाराम शास्त्री पांच कहानी संग्रह हैं। और इनके कहानीकार का नाम कौन लिया जा सकता है? तो चलिए देखते हैं, अमृतलाल नागर के ये कहानी संग्रह हैं जिनका नाम है पीपल की परी एक, वाटिका दो, अवशेष तीन, नवाबी मसनद चार और तुलाराम शास्त्री पांच। ये पांच कहानी संग्रह हैं और ये अमृतलाल नागर के कहानी संग्रह हैं। सुहाग के नूपुर किसका उपन्यास है? याद आ गया होगा, अमृतलाल नागर का उपन्यास है सुहाग के नूपुर। शतरंज के मोहरे किसकी रचना है? शतरंज के मोहरे। चलिए, ये उपन्यास विधा की रचना है और अमृतलाल नागर की रचना है। और शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? दोस्तों कमेंट करके आप जरूर बताएं। सबसे सरल प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? कहानी है शतरंज के खिलाड़ी महाकाल और कोठेवालियां, बूंद और समुद्र। उपन्यासों के उपन्यासकार का नाम बताइए। महाकाल, कोठेवालियां और बूंद और समुद्र, ये तीन उपन्यास हैं। तो उपन्यासकार का नाम है अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। चलिए आगे देखते हैं, उस श्रृंखल, चकलस, शनिचर आदि किस प्रकार के पत्र पत्रिकाएं थे? उस श्रृंखल, चकलस और शनिचर, ये किस प्रकार के हास्य रस की पत्र पत्रिकाएं थे जिनका संपादन अमृतलाल नागर ने किया था? अमृतलाल नागर ने इनका क्या किया था? संपादन किया था। वैशाली की नगरवधु किसकी रचना है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की रचना है वैशाली की नगरवधु। जैसलमेर की राजकुमारी कहानी के कहानीकार कौन है? जैसलमेर की राजकुमारी कहानी के कहानीकार आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हैं। चतुर्सेन शास्त्री की कहानी है जैसलमेर की राजकुमारी। चलिए, नवाब ननकू और लंब गिरव किस रचनाकार के कहानी संग्रह हैं? नवाब ननकू और दूसरा है लंब गिरव, ये आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के कहानी संग्रह हैं। नवाब ननकू और दूसरा संग्रह है लंब गिरव। सोमनाथ किस विधा की रचना है? सोमनाथ, सोमनाथ, तो सोमनाथ है वो किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है और रचनाकार चतुर्सेन शास्त्री हैं। सोमनाथ वो उपन्यास है और चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। वैम रक्षाम व गोली किस उपन्यासकार के उपन्यास हैं? दो उपन्यास हैं ये, तो किस उपन्यासकार के उपन्यास हैं? तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, राहुल वेल कौन सी शताब्दी की रचना है? 10वीं शताब्दी की रचना है जिसका नाम है राहुल वेल। भिखारी दास के पिताजी का क्या नाम था? भिखारी दास जी के पिताजी का क्या नाम था? चलिए, कृपाल दास नाम था। कृपाल दास जी के पुत्र थे भिखारी दास जी। चिंतामणि त्रिपाठी की प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। चिंतामणि त्रिपाठी की प्रसिद्ध रचना का नाम है कवि कुल कल्पतरु। कवि कुल कल्पतरु है वो चिंतामणि त्रिपाठी की प्रसिद्ध रचना है। जंकार काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। तो ये मैथिली शरण गुप्त जी का काव्य संग्रह जिसका नाम है झंकार। चलिए, पूजा फूल रचना के रचनाकार का नाम बताइए। मुकुटधर पांडे की रचना है जिसका नाम है पूजा फूल। भिखारी दास किस के आश्रित कवि थे? तो प्रतापगढ़ के राजा पृथ्वी सिंह के भाई हिंदुपति सिंह के आश्रित कवि थे।
तो भिखारी दास अब प्रतापगढ़ के राजा पृथ्वी सिंह के भाई हिंदुपति सिंह के आश्रित कवि थे। चलिए, आचार्य चिंतामणि किस धारा के कवि माने जाते हैं? रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। तो आचार्य चिंतामणि है वो किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। बोहनी नामक लघु कथा संग्रह के लेखक का नाम बताइए। चित्रा मुद्गल का ये लघु कथा संग्रह जिसका नाम है बोहनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मामला आगे बढ़ता जाएगा। अभी कहानी संग्रह की लेखिका का नाम बताइए। चित्रा मुद्गल का ये कहानी संग्रह है, मामला आगे बढ़ता जाएगा। अभी भूख तथा लपटें कहानी संग्रह की लेखिका का नाम बताइए। भूख तथा लपटें कहानी संग्रह की लेखिका का नाम चित्रा मुद्गल है। चित्रा मुद्गल का ये कहानी संग्रह है। शहर के नाम कहानी संग्रह की लेखिका नाम था शहर के नाम। शहर के नाम कहानी संग्रह मृदुला गर्ग का कहानी संग्रह शहर के नाम। आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी का जन्म कहाँ पर हुआ? कानपुर जिले के तिकवापुर गांव में आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी का जन्म हुआ था। कानपुर जिले के तिकवापुर गांव में आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी का जन्म हुआ था। भक्तमाल की रचना किसने की? नाभादास ने की थी। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की थी। राष्ट्रीय वीणा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। राष्ट्रीय वीणा रचना के रचनाकार का नाम है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है राष्ट्रीय वीणा। पद्म पुष्पांजलि रचना के रचनाकार का नाम बताइए। लोचन प्रसाद पांडे की रचना है पद्म पुष्पांजलि। चलिए, वियोग वेली रचना के रचनाकार का नाम बताइए। घनानंद की रचना है वियोग वेली। वियोग वेली घनानंद की रचना है। चलिए, इश्कनामा पुस्तक की रचना किसने की? बोधा ने इश्कनामा पुस्तक की रचना की थी, बोधा ने। इस हमाम में कहानी की रचना किसने की? चित्रा मुद्गल ने की थी इस हमाम में। चलिए, बयान नामक लघु कथा संग्रह की लेखिका का नाम बताइए। चित्रा मुद्गल का ये कहानी संग्रह है बयान। चलिए आगे बढ़ते हैं, बयान कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। दूसरा है बयान तो ये कमलेश्वर का कहानी संग्रह है जिसका नाम है बयान। चलिए आगे बढ़ते हैं, मर्द नामक लघु कथा संग्रह की लेखिका का नाम बताइए। चित्रा मुद्गल का यह लघु कथा संग्रह है मर्द। आचार्य चिंतामणि ने कविकुल कल्पतरु ग्रंथ लिखा था तो कब लिखा था? उत्तर हमें देना है 1707 में इन्होंने कविकुल कल्पतरु की रचना की थी। आचार्य चिंतामणि राजाओं के आश्रय में रहे तो ये थे शाहजी भोंसले, सांझा और दारा शिकोह के आश्रय में रहे थे चिंतामणि। तीन राजाओं के आश्रय में रहे, शाहजी भोंसले के, सांझा के और दारा शिकोह के आश्रय में रहे। चोपते चोपदे रचनाओं के रचनाकार का नाम बताइए। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है चौके चौपते चुपते चौपते और इनके प्रसिद्ध रचना है उनका नाम है प्रिय प्रवास। अपभ्रंश भाषा का व्यास किसको कहा जाता है? पुष्प दंत को कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा का व्यास पुष्प दंत को कहा जाता है। चलिए, आदिकाल के किस ग्रंथ में सर्वप्रथम बारहमासा वर्णन किया गया है? तो विसल देवरासों में किया गया है बारहमासा वर्णन, विसल देवरासों के अंदर। कुमारपाल प्रतिबोध की रचना किसने की? सोमप्रभ सूरी ने। पर कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की थी सोमप्रभ सूरी ने। त्रिशूल तरंग रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है त्रिशूल तरंग। काव्य की सभी अंगों के निरूपण का मार्ग सर्वप्रथम हिंदी में किसने चलाया? काव्य की सभी अंगों के निरूपण का मार्ग सर्वप्रथम हिंदी में किसने चलाया? आचार्य चिंतामणि ने चलाया था। चलिए, आचार्य चिंतामणि की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। आचार्य चिंतामणि की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। छंद प्रकाश रसमंजरी छंद विचार पिंगल रामायण की रचना किसने की? तो छंद काव्य प्रकाश रसमंजरी छंद विचार पिंगल और रामायण की रचना किसने की? ये रामायण दूसरी अभी तो रामायण नाम की इन्होंने रचना की, काव्य प्रकाश की, रसमंजरी की, छंद विचार की, पिंगल की और रामायण की। तो ये आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी ने ये रचनाएं की थी। तो एक बार पुनः देख लीजिएगा, काव्य प्रकाश की, रसमंजरी की, छंद विचार की, पिंगल की और रामायण। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किससे चली? आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी से चली। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी से चली थी। आचार्य चिंतामणि के भाइयों के नाम बताइए। भूषण मतिराम और जटाशंकर ये तीन भाई थे। ये
तो चौथा भाई कौन हो गया? स्वयं चिंतामणि। तो भूषण, मतिराम और जटाशंकर तीन भाई और थे, और चौथे चिंतामणि, चार भाई थे ये। सत्यवती कथा के रचनाकार का नाम बताइए। ईश्वरदास की रचना है सत्यवती कथा। चलिए, वसंत रचना के रचनाकार का नाम बताइए। राय देवी प्रसाद पूरण की रचना है जिसका नाम है वसंत। कृष्णकिंदन रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गया प्रसाद शुक्ल सिन्हा की रचना है जिसका नाम है कृष्णकिंदन। अलंकार चंद्रोदय ग्रंथ किसने लिखा? रसिक सुमति ने लिखा था अलंकार चंद्रोदय ग्रंथ। सुंदर विलास ग्रंथ की रचना किसने की? सुंदरदास जी ने सुंदर विलास ग्रंथ की रचना की थी, सुंदरदास जी ने। चलिए आगे, आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी का जन्म कब हुआ? संवत 1666 के आसपास हुआ था। संवत 1666 के आसपास आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी का जन्म हुआ था। मतिराम का जन्म कब हुआ? मतिराम का जन्म संवत 1674 में हुआ था। सन 1674 में मतिराम का जन्म हुआ था। जहर ठहरा हुआ कहानी की लेखिका का नाम बताइए। तो चित्रा मुद्गल का ये कहानी है जहर ठहरा हुआ। जहर ठहरा हुआ कहानी की लेखिका का नाम चित्रा मुद्गल है। अगला है लाक्षाग्रह कहानी की लेखिका का नाम बताइए। चित्रा मुद्गल का कहानी संग्रह है लाक्षाग्रह, और कहानी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी वापसी कहानी के लेखिका नाम बताइए। चित्रा मुद्गल की कहानी अपनी वापसी। मतिराम का देहावसान कब हुआ? 1773 में मतिराम का देहावसान हुआ था, संवत 1773 में। मतिराम किस राजा के आश्रय में रहे? आश्रम में नहीं, आश्रय में। बूंदी राजा भाव सिंह के आश्रय में ये रहे थे। काव्य मंजूषा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है काव्य मंजूषा। रस कलश रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है जिसका नाम है रस कलश। भिक्षुराज कहानी के लेखक का नाम बताइए। आचार्य चतुरसेन शास्त्री की कहानी है भिक्षुराज। कल्लोल कहानी के लेखक का नाम बताइए। विश्वंभरनाथ शर्मा कोशी की कहानी है कल्लोल। ललित ललाम ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। मतिराम का ग्रंथ है ललित ललाम। मिस्र बंधु ने हिंदी नवरत्नों में किसको स्थान दिया था? मतिराम को स्थान दिया था हिंदी नवरत्नों में। आजादी के बाद का प्रेमचंद किस आंचलिक साहित्यकार को कहा जाता है? फणीश्वरनाथ रेणु को। आजादी के बाद का प्रेमचंद किस आंचलिक साहित्यकार को कहा जाता है? फणीश्वरनाथ रेणु को। सैरप्पा की रचना दोहाकोश का संपादन किसके द्वारा किया गया? दोहाकोश का संपादन किसने किया? राहुल संकरत्यान के द्वारा किया गया, राहुल संकरत्यान ने किया था। चलिए, जैन चरित काव्य की काव्य मुख्य रूप से किस छंद में लिखे गए हैं? जैन चरित काव्य संग्रह मुख्य रूप से किस दोहा चौपाई छंद में लिखे गए हैं? दोहा चौपाई छंद में ये लिखे गए हैं। चलिए, अलंकार पंचाशिका की रचना किसने की? अलंकार पंचाशिका की मतिराम ने की थी। अलंकार पंचाशिका की रचना मतिराम ने की थी। ज्ञान बोध रचना के रचनाकार का नाम बताइए। मलुकदास की रचना है ज्ञान बोध। ज्ञान दीप, ये प्रश्न दोबारा आ गया। तो ज्ञान दीप के रचनाकार का नाम है शेख नबी की रचना है ज्ञान दीप। चलिए, बासा भूषण की रचना किसने की? सबसे मोस्ट प्रश्न है इस वीडियो का, महाराज जसवंत सिंह ने की थी बासा भूषण ग्रंथ की रचना। उर्मिला प्रबंध काव्य की कवि का नाम बताइए। बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रबंध काव्य है उर्मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयद्रथ वध खंड काव्य की रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त ने की थी जयद्रथ वध खंड काव्य की रचना। पंचवटी खंड काव्य की रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त ने की थी पंचवटी खंड काव्य की रचना। छंद सार और साहित्य सार ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। छंद सार और साहित्य सार दो ग्रंथ हैं, मतिराम के ग्रंथ है छंद सार और साहित्य सार। चरणों की दासी में कहानी की लेखिका का नाम बताइए। कहानी के लेखक सॉरी इला चंद्र जोशी। चरणों की दासी में कहानी के लेखक इला चंद्र जोशी की कहानी है ये। दाजू कहानी के लेखक का नाम बताइए। शेखर जोशी की ये कहानी है दाजू। चलिए, तीन चार दिन कहानी के लेखक का नाम बताइए। महेंद्र भल्ला की कहानी है तीन चार दिन। निर्लज्जा कहानी के लेखक का नाम बताइए। पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी है निर्लज्जा। रसराज और लक्षण श्रृंगार ग्रंथों के रचयिता का नाम बताइए। मतिराम के ग्रंथ है दोनों, रसराज और लक्षण श्रृंगार।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को क्या कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को कहा प्राकृताभाष, प्राकृताभाष कहा। मिस्र बंधु के नाम बताइए, मिस्र बंधु के नाम बताने हैं अपने को, तो मिस्र बंधु के नाम है श्याम बिहारी मिस्र, गणेश बिहारी मिस्र और सुखदेव बिहारी मिस्र। तीन नाम थे, श्याम बिहारी मिस्र, गणेश बिहारी मिस्र और सुखदेव बिहारी मिस्र। रहस्यवाद कविता के कवि का नाम बताइए। रहस्यवाद कविता के कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, ये रहस्यवाद कविता के कवि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ओज और औदाते का कवि किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने, ओज और औदाते का कवि डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। अगला है, हिंदी साहित्य में संस्मरण विधा के प्रवर्तक माने जाते हैं? पंडित पद्म सिंह शर्मा माने जाते हैं। चलिए, नई कहानी की भूमिका रचना के रचनाकार का नाम बताइए। नई कहानी की भूमिका रचना के रचनाकार हैं कमलेश्वर, कमलेश्वर की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतिराम की श्रृंगार रस प्रधान और नायिका वेद प्रधान रचनाओं का नाम बताइए। श्रृंगार रस प्रधान और नायिका वेद प्रधान संबंधी रचना है, उसका नाम है रसराज। रसराज रचना है, वो नायिका वेद संबंधी भी है और श्रृंगार रस प्रधान भी है। मतिराम ने ललित राम की रचना किस राजा के आश्रय में की थी? तो बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में की थी। बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में ललित ललाम ग्रंथ की रचना की थी। भूषण का जन्म कब हुआ? संवत 1670 में हुआ था। भूषण का जन्म संवत 1670 में हुआ था। प्रियपुरवास रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऊध, प्रियपुरवास के रचनाकार हैं। चलिए, यशोधरा खंडकाव्य के रचनाकार का नाम बताइए। मैथिली सेनगुप्त की रचना है यशोधरा खंडकाव्य। अगला है, भूषण के पिताजी का क्या नाम था? रत्नाकर त्रिपाठी भूषण के पिताजी का नाम था। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने दी थी। भूषण की मृत्यु कब हुई? 1772 में हुई थी। भूषण की मृत्यु 1772 में हुई थी। रानी माँ का चबूतरा कहानी की लेखिका का नाम बताइए। तो कहानी की लेखिका मनु भंडारी है, मनु भंडारी की कहानी है रानी माँ का चबूतरा। बीच बहस में कहानी के लेखक का नाम बताइए। निर्मल वर्मा की कहानी है बीच बहस में। अगला है, एक दुनिया समानांतर कहानी के लेखक का नाम बताइए। एक दुनिया समानांतर कहानी के लेखक राजेंद्र यादव है, राजेंद्र यादव की कहानी है। पिता कहानी के लेखक का नाम बताइए। ज्ञानरंजन की कहानी है पिता, पिता है वो ज्ञानरंजन की कहानी है। चलिए, भूषण किन किन के किन किन राजाओं के दरबार में रहे? तो वीर छत्रसाल और फिर छत्रपति शिवाजी के, वीर छत्रसाल के और फिर शिवाजी के दरबार में रहे। गुणों का देवता उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुणों का देवता। उसने नहीं कहा था कहानी के लेखक का नाम बताइए। शैलेश मटियानी की कहानी है उसने नहीं कहा था। चलिए, हिंदी साहित्य में नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत किसने की? नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत सुदर्शन मजीठिया ने की थी। नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे के संपूर्ण कविताओं के संकलन का क्या नाम है? सदा नीरा। तो संपूर्ण कविताएं हैं उनका संकलन है, उनका नाम है सदा नीरा। चलिए, भूषण के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। शिवराज भूषण, शिवराज भूषण इनके अलंकार ग्रंथ का नाम है। अगला है, ललित ललाम की रचना किसने की? ललित ललाम की रचना मतीराम ने की थी। मतीराम ने ललित ललाम की रचना की थी। वैदेही वनवास रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऊध की रचना है वैदेही वनवास। साकेत महाकाव्य के रचयिता का नाम बताइए। प्रश्न दोबारा है, मैथिली सेनगुप्त की रचना है। राम सतसई की रचना किसने की? राम सायदास ने राम सतसई की रचना की थी। सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना का नाम बताइए। छायावादी रचना प्रथम तो उच्छ्वास है, उच्छ्वास रचना है वो प्रथम छायावादी रचना है। शिवराज भूषण, शिवाबावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा रचनाओं के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये रचनाएं हैं वो भूषण की रचनाएं हैं, भूषण की रचनाओं के नाम हैं। चलिए, मकरील कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। यशपाल की कहानी है मकरील। चलिए, ठुमरी कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। फणीश्वर नारद त्रेणु की कहानी है ठुमरी। बोलाराम का जीव कहानी के लेखक का नाम बताइए। हरिशंकर परसाई की कहानी है बोलाराम का जीव। चलिए, जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी की लेखिका का नाम बताइए। उषा प्रियावंदा की कहानी है जिंदगी और गुलाब के फूल। भूषण किस रस के कवि थे? वीर रस के कवि थे, भूषण है वो वीर रस के कवि थे। सामाजिक सुधार, सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना किस युग की प्रमुख विशेषताएं थी? द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं थी सामाजिक सुधार, सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना।
मिलन पथिक और सौपन खंडकाव्यों की रचना किसने की? मिलन पथिक सौपन खंडकाव्यों की रचना राम नरेश त्रिपाठी ने की थी, राम नरेश त्रिपाठी ने। महाराजा जसवंत सिंह का जन्म कब हुआ? मारवाड़ के प्रसिद्ध प्रतापी राजा जसवंत सिंह का जन्म सन 1683 में हुआ था, 1683 में हुआ था। मारवाड़ के प्रसिद्ध प्रतापी राजा थे और साहित्यकार भी थे। हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक आचार्य का नाम बताइए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं प्रतिष्ठापक आचार्य। तो आज दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। चलिए और देखते हैं, थोड़े से प्रश्न और देख लेते हैं, पूरे हो जाते हैं। हाँ, हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक आचार्य का नाम बताइए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ की रचना सुमन राजे ने की थी। सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का इतिहास, सॉरी, आधा इतिहास ग्रंथ की रचना सुमन राजे ने की थी। दोस्तों थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था किसी टेक्निकल कारण से, आगे चलते हैं। लगता नहीं है मेरा दिल, लगता नहीं है मेरा दिल आत्मकथा की लेखिका का नाम बताइए। लगता नहीं है मेरा दिल आत्मकथा की लेखिका का नाम है कृष्णा अग्निहोत्री। कृष्णा अग्निहोत्री का ये है। और नेक्स्ट है गुनाओं की देवी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। गुनाओं की देवी उपन्यास के लेखक यादवेंद्र शर्मा चंद्र हैं। यादवेंद्र शर्मा चंद्र का उपन्यास है गुनाओं की देवी। चलिए अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध, प्रबोध चंद्रोदय। तो रचना देखिए, अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध, प्रबोध चंद्रोदय नाटक है और बाकी के सारे काव्य है, ग्रंथ हैं। तो प्रबोध चंद्रोदय अकेला नाटक है। रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो दोस्तों रचना के रचनाकार हैं महाराज जसवंत सिंह। महाराज जसवंत सिंह की ये रचनाएं हैं। और चलिए आगे देखते हैं, महाराज जसवंत सिंह की सर्वश्रेष्ठ रचना का नाम बताइए। भाषा भूषण और इस ग्रंथ पर जयदेव के चंद्रालोक का प्रभाव है। जयदेव के चंद्रालोक का प्रभाव है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज के 350 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट जरूर करें। दोस्तों बीच बीच में थोड़ी आवाज़ और थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक है, उसके लिए क्षमा करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अधिकाधिक मात्रा में वीडियो देखिए। लंबे वीडियो देखने से यानी आपको भी फायदा और मेरे को भी फायदा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।